दैट वी आर अनोइंगली हेल्पिंग दिल्ली प्राइवेट हॉस्पिटल्स मेंट मनी. हाँ, वो लाखों करोड़ों बना रहे हैं सिर्फ हमारे डर के कारण. प्राइवेट हॉस्पिटल्स तो चाहते हैं कि हम एंग्शियस हों, हम स्ट्रेस में रहें, ताकि हम फिर उनके पास ही आएंगे. वी वांट टू स्पेंड ऑल आर हार्ड अर्न मनी ऑन दीज हॉस्पिटल्स. वी हैव टू स्टॉप दिस. वी हैव टू स्टॉप दिस रैकेट दैट इज गेटिंग जनरेटेड बिकॉज ऑफ COVID-19. कोविड को नहीं, कोविड के डर को भगाना है, अपने अंदर से इस डर को भगाना है. मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगी कि इस कोविड के डर से कैसे लड़ा जाए. नंबर वन, आपका जो किचन है वो एक दवाई की दुकान है. हाँ, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है. आप अपने किचन में जाइए और अपने सारे किचन के इंग्रेडिएंट्स यूज़ करिए. लौंग, इलायची, दालचीनी, हल्दी, फिर अदरक, लहसुन, प्याज, सौंफ, ये सारी दवाइयाँ हैं, इनको अपने खाने में यूज़ करें. आपको विटामिन ए, सी और डी की ज़रूरत है. पता है ना विटामिन ए कहाँ से मिलता है? मैंगो, पपीते और कैरेट से. खूब खाइए. विटामिन सी आपको मिलेगा नींबू, मौसमी, इन चीज़ों से. और डी की तो भरमार है. धूप इतना है कि मत पूछिए. आप सुबह और शाम ज़रूर अपने छत पे या बालकनी पे जाइए और मुफ्त में विटामिन डी लीजिए, खूब लीजिए. आपको जिंक की ज़रूरत है, जिंक मिनरल, और ये मिलेगा आपको मिल्क, ड्राई फ्रूट्स और अंडे में. आपको ज़रूरत है प्रोटीन की, जो आपको मिलेगा मिल्क, दाल और अंडे में, चिकन में भी है. चाय प्रेमी, चाय पीजिए सोडियम और पोटेशियम के लिए. हाँ, सोडियम और पोटेशियम भी कोविड को दूर भगाएगा. हाइड्रेटेड रहिए, अच्छे से पानी पीते रहिए दिन भर. 7-8 घंटे की नींद लीजिए. और इंडिया में रहते हैं तो फिर योगा करिए, प्राणायाम करिए. हमेशा कुछ ना कुछ तो आता ही रहता है. यूट्यूब है, टी वी है, सब जगह आपको बता रहा है कि योगा कैसे करते हैं, सांस के एक्सरसाइजेस कैसे करते हैं. करते रहिए, खुद भी करिए, परिवार को कराइए. फिर तो आपको कोविड छू भी नहीं सकता है. और आपको इन हॉस्पिटल्स में जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कभी नहीं पड़ेगी.